हेलो दोस्तों, मैं हूं टिंकू रॉय और आप हैं टीआर रॉय चैनल पर। दोस्तों, ये जो पीपल का प्लांट देख रहे हैं, इसे फाइकस रिलीजियस के नाम से भी लोग जानते हैं और नेचुरली हम लोग पीपल के प्लांट ही इसे बोलते हैं। तो दोस्तों, ये प्लांट मैं बहुत दिनों से बना रहा हूं, इसका बॉन्साई। इसके वीडियो शायद आपने लोगों ने देखे होंगे, अगर नहीं देखे होंगे, ये जो ऊपर आई बटन आ रहा है वहाँ क्लिक करके आप लोग उसे देख सकते हैं। और मैं इसका जो बचपन का वीडियो है उनमें से कुछ फुटेज मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा। और देखिए, अभी ये प्लांट कैसे तैयार हो चुका है, मतलब अभी तो बॉन्साई हुआ नहीं है, अभी बॉन्साई के कगार में खड़ा है ये। तो कैसे इस बोल में मैंने लगाया है और कैसे इसे तैयार कर रहा था, उस वीडियो में जाके देख सकते हो। एक्चुअली इस बोल में रखने का मकसद क्या है दोस्तों, इस बोल में रख के मैंने इसीलिए रखा था ताकि प्लांट इसके अंदर बड़ा हो और अपने आप इधर उधर मुड़ जाए। आप देख सकते हैं कैसा ये टर्न लिया है, अपने आप ने यहाँ से अलग से ब्रांच को छोड़ा है और फिर मुड़ के वो अपने अलग ही रास्ते निकाल के वो बोल के बाहर आ चुका है। तो ऐसे ही बैंडिंग हमें चाहिए था जो एक नेचुरल लुक लगे, और इसका अगर बॉन्साई बनाते हैं तो काफ़ी अच्छा देखने में लगेगा। तो चलिए, इसको पहले बोल को तोड़ लें। और ऐसे काम करते वक्त ध्यान रखें, हाथ को चोट पहुंच सकता है क्योंकि ये ग्लास बोल है, इसे ध्यान से करते रहें। तो दोस्तों, ये जो पॉट मैंने लाया हूँ, ये पॉट मैंने अपने हाथों से बनाया है। पता नहीं आप लोग वो वीडियो देखे हैं कि नहीं। वीडियो के एंड में मैं इसका भी एक लिंक दे दूँगा ताकि आप वो देख सकें और ऐसा पॉट बना सकें। तो आज मैं इसी पॉट में इस प्लांट को रिपोर्ट करने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं।